खैरियत से होंगी, अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आज मेरी बेटी माँ की जो है वो बर्थडे, तो हम कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो माँ आप कैसा फील कर रही? माँ बहुत खुश है भाई, माँ अपनी मामा की बाबा की लाडली है बहुत ज़्यादा। रजा क्या हाल है? इसमें सारा डोंगा रख के बैठ गई इसमें। मैसे तुझे और कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे तुझे हैं? अच्छा जी, तो व्यूअर्स इस टाइम मैं किचन में आ गई हूँ और अब शाम का टाइम है, तो मैं सोच रही थी कुछ इजी सा हो जाए जो जल्दी बन जाए, तो उसके लिए मैंने सोचा वेजिटेबल कबाब बना लिए जाएं। आलू बॉईल कर लिए मैंने और ये देखें इनको मैश कर रही हूँ, और इनको अच्छी तरह मैश करने के बाद इसमें धाड़ा मिर्चें और मतलब नमक मिर्चें, काली मिर्च और सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था मैंने, लाल मिर्चें, चाट मसाला पाउडर इसमें मैंने ऐड किया था, और सोया सॉस और सिरका ये मैंने इसमें शामिल किया था, और फिर इसमें मैंने बंद गोभी और धनिया पाउडर जो होता है वो भी ऐड किया है, ज़ीरा भी और बारीक कटी हुई धनिया भी इसमें शामिल की थी। और क्योंकि दिन के टाइम हमने जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी अचानक से, बस छोटे से पैमाने पे जो है मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी बेटी की, तो फिर यही सोचा है कि शाम को ये इजी भी है और जल्दी भी बन जाएगी, तो फिर ये बना लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा मज़े का टेस्ट जो है ना वो कैबेज का आता है, तो वो इतनी क्रिस्पी सी लग रही होती है ना। बैटर को मिक्स करके ये देखें कबाब बना लिए हैं और अब मैं इनको फ्राई करूँगी, और आपने अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी वेजिटेबल कबाब की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।